हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, मैंने एक स्ट्रिप से ही ये ड्रेस और कैप बनाए। नहीं इसमें बुकरम का यूज़ किया है, नहीं अस्तर का यूज़ किया है। सिर्फ कपड़े से ही मैंने एक कैप और ड्रेस बनाया है। बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। गाइस, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, नेकलेस के, कंगन्स के, एयरिंग्स के और तिलक के वीडियोस बनाए हैं। आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, या तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहीं से भी देख सकते हैं। तो गाइस, कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने मित्रों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लंबी कॉटन फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसका हम समर ड्रेस बनाएंगे। नहीं बुकरम के अस्तर कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ कपड़े का ही यूज़ करेंगे। तो इसकी लंबाई है 18 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। देखिए ध्यान से आप, बस इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें पूरी स्ट्रिप में इस तरह से टीच कर लेना है। गाइस, यहाँ पे मैं 6 नंबर के कान्हा जी का ये ड्रेस बना रही हूँ। ये ड्रेस हम 5, 6 और 7 को आसानी से पहना सकते हैं। तो ये हमारी टीच हो गई। अब दोनों किनारों पर भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके टीच कर लेंगे। तो चलिए पहले टीच कर लेते हैं। दोनों किनारों पर हमारी टीच हो गई है। अब हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से सेट करेंगे, और जहाँ पे हमने टीच की है ना, वहीं पे हमें काटना नहीं है। इनके सामने हमें इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसकी लंबाई है 4 इंचेस और चौड़ाई की मैंने 1 इंचेस रखी है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना गला बनाएंगे, नेक बनाएंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल फोल्ड करेंगे और टीच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से और आसानी से ये ड्रेस बन जाता है। तो देखिए गाइस, ये हमारी टीच हो गई है। अब हम दोबारा इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए मैंने 3 इंचेस पर मार्क किया है। अब जहाँ पे हमने मार्क किया ना, वहीं से हम यहाँ पे टिच कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे ही हम जोड़ेंगे ना, तो ये हमारी कैप और ड्रेस बनके रेडी है। देखिए ये हमारी कैप और नीचे हमारा ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने 2 डोरी ली है, इसकी लंबाई है 6 इंच और यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर लिए हैं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंचेस है। इसके हम लटकन बनाएंगे। तो ये तिकोना आकार करके बीच में डोरी डालेंगे और यहाँ पे टीच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी टीच हो गई है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो ये हमारा लटकन बनके रेडी है। अब ऐसा ही हम दूसरी डोरी पर भी लटकन बनाएंगे। तो देखिए गाइस, हमारे लटकन बन गए हैं। अब हम दोनों किनारों पर ये लटकन को टीच करके अटैच कर देंगे। तो ये हमारा ड्रेस बनके रेडी है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे, हरे कृष्णा।